देख लो ये अपना हेलमेट एरोनॉटिक्स वही शो ही अपना। तो भाई अब इसको अपन है ना ऐसा शो ही बनाने वाले हैं। इस पर बहुत तगड़ा खर्चा हो रहा है भाई। इस हेलमेट को अपन करा रहे भाई कलर, गाड़ी का जो अपन कलर करा रहे हैं उससे मैच करते हुए। तो देख लो भाई अभी अपनी गाड़ी का क्या चल रहा है। इस पर वापस जो इसका लेवल है वो वापस बैठा रहे हैं। अब जैसे ये हो गया ये जा रहा है, ये वैसे क्या चढ़ा रहे हैं मुझे आप बीस। अच्छा कलर, ये देखो भाई ये कलर चढ़ रहा है इसके ऊपर। और ये तो अभी मतलब सिंगल हैंड लगा है, अभी तो इसमें काफी कुछ है। भाई देखो अपना कलर कुछ इस तरह का होगा। अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी देखते हैं। अभी तो गाइस आप देख लो कैसे चढ़ रहा है भाई कलर, धमाधम। भाई अब ये चीज़ देख सकते हो रिफ्लेक्शन में, तो देखो इस पे जो ये हमने जो पल्प लगाया है ना, जो चमक रहे दाने हैं, ये पल्प है एक्चुअली। ओके भाई देख लो मैट ब्लैक चढ़ रहा है इसमें, बट ये मैट वो वाला नहीं है, काफी ये सेमी ब्लैक बोलते हैं इसे, भी डिफरेंस देखना। तो भाई देख लो काम तो ऐसे ही होता है। अभी तो जबकि फर्स्ट हैंड चल रहा है ये, अभी और इस पर मतलब दो तीन हाथ वाथ रखेंगे आराम से ये। अभी देखते हैं अब तक क्या होता है। तो आगे अपने ब्लैक हो गया, पीछे भी वाइट पट्टी हो रहा पहले से, ये वाइट हो गया, ये वाइट हो गया, ये वाइट हो गया, ये जो आया ऐसे नहीं आया, देखो ये आया हेडलाइट वाला पार्ट तो मैट हो गया, बाकी ये वाले पार्ट भी हो गए मैट, बाकी सारे वाइट हैं। वो देखो ऐसे टैंक बन गया पूरा जुड़ गया, इसको यूं ब्लैक आ गया ना पट्टा, वो पट्टा लाइयो गोल वाला ये रहा। आप कह रहे हो ये बीच वाला पट्टा ब्लैक नहीं है ना, पर मैं सोच रहा हूँ मैं उसको यूं आड़ा ब्लैक दूँ। क्यों ऐसा क्या, ये R1 का जो जो मैं करा रहा हूँ ना जिस बाइक का देख कर गया, उस बाइक में थोड़ा बहुत है ना ऐसा आता है टैंक का शेप, ये कटिंग नहीं आई भाई, कटिंग नहीं आ पाई, कटिंग नहीं आ पाई ये तो है, क्योंकि इसमें शेप वो वाला नहीं है, शेप वो वाला नहीं है ना, ये शेप देखो ना जगह 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 कट रहा, कहाँ तक अपन टेप को कटिंग करेंगे आउट हो जाएगी। क्या बोलते हो भाई जी ब्लैक कराएंगे या तो पूरा वाइट ही कर दो, उठेगी गाड़ी उठेगी, मतलब हाईलाइट करेगी, हाईलाइट करेगी, आएंगे भाई वाले हाईलाइटिंग। तो ब्लैक ही कराओ, क्या बोलता है ब्लैक साइड में वाइट, वाइट ये तो ब्लैक ही सही लगेगा ना, फिर जब वाइट आ रहा है अपना वो बिल्कुल, यहाँ से जो है ना मुझे इधर ब्लैक आ रहा है, ब्लैक आ रहा है अंदर का सिस्टम, हां तो हां वाइट वाइट टाइप में बन जाएगा ब्लैक भैया, ये वाइट टाइप में बन जाएगा ये, और ये क्या है ब्लैक वो देखिए समझ गया, इसके अंदर की जो पार्ट है ये ब्लैक दे रहेंगे, तो ये नीचे का पार्ट ना वो देंगे अपने ग्राइक पे वो वाले और किसके नीचे से, हाँ इसके ठीक है, हाँ इतना ठीक है, डिकेलिंग में छोटा मोटा जो भी शेड डालना हो इसमें डाल देंगे, टैटू वेटू सही है बिल्कुल, भाई सॉरी पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रही है वीडियो, इसके मुंह से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बात ऐसी है अपन आए हैं विमल भैया के यहाँ पे, जहाँ पर अपन पहले हमेशा ही आते हैं,
तो अभी कुछ काम चल रहा है, चलो दिख नहीं रहा है, बढ़िया है। और मैं आपको बताऊंगा भैया कि क्या काम हो रहा है। भाई थक थक आकर के बिल्कुल चूर हो चुके हैं, पसीने पे पसीना आ रहा है भाई, देख लो। तो अभी अपना बस ये वाला काम हो जाए, उसके बाद अपन सेकेंड इस पर क्या होगा, पीयू चढ़ जाएगा उसका, तो टैटू ऐसा लगेगा भाई अंदर ही बिल्ड है। तो थोड़ा बढ़िया काम करा था, मेहनत ज़्यादा है, बट ठीक है, चलो भाई चलता है इतना। तो अब R15 लिखा लिखा के थोड़ा बोर हो गए, तो अब सोच रहे कि इसको डायरेक्ट R1 ही बना देते हैं यार। इंजन नहीं है बस, बाकी तो सब कुछ करा ही रहे है कि नहीं, छोटा मोटा किट भी भाई ठीक ठाक हो गया है, तो R1 ही बनाते गाइस। लाले सुन मेरी बात, सही है R1 का आइडिया, और ब्रेम्बो एक्रा बॉब्स और लिमिटेड एडिशन। तो आपको दिखाऊंगा नहीं, बट दूर से देख लो, ये सब कुछ हो चुका है, बस ये पूरा भी सूख रहा है अच्छे से। अब इसकी तो हम डिटेलिंग थोड़ी मोटी करा के आ गए थे, अब इसमें क्या होगा, इस पर क्लियर चढ़ेंगे ये, बाकी तो सब रेडी है, अब इसके बाद में देखेंगे। भाई मार्क्स भी हो गया है, यहीं से चलते, बाय बाय।